हेलो गाइस, परमा अनुराग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं रुस्तम के ट्रेलर का रिएक्शन, जो कि डॉक्टर शिवा राजकुमार जी की मूवी। और उनका हमने इस समय टगरू देखा, बहुत मजेदार था। लाइक जिस तरीके से वो पूरा सेंटर स्टेज ले लेते हैं तो बहुत अलग मजा आता है उनको देखने में। और ये जो मूवी के डायरेक्शन है वो की है रवि वर्मा जी ने। और रवि वर्मा की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो इनकी ये डेब्यू है मूवी एज अ डायरेक्टर, बट वो स्टंट डायरेक्टर थे पहले से। स्टंट डायरेक्टर से डायरेक्शन में आ गए। हाँ, हमने राइटर को डायरेक्टर बनने में बहुत देखा हुआ है, सिनेमाटोग्राफर को डायरेक्टर बनते हुए देखा हुआ, पर ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जो स्टंट डायरेक्टर एक डायरेक्टर बन गया है। और लेकिन वो स्टंट डायरेक्टर में उनकी जो प्रोफाइल है ना, क्या जबरदस्त है। लाइक सराई नोडू, ध्रुवा, सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में वो स्टंट डायरेक्टर रह चुके और इतना जबरदस्त वो स्टंट डायरेक्शन किया हुआ। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी फिल्मों में स्टंट डायरेक्शन करने का उनको इतनी नॉलेज हो गई, उन्होंने बोला कि भाई मैं डायरेक्टर भी बन सकता हूँ। और क्या पता बहुत जबरदस्त बने। बिल्कुल। और इसके सिनेमाटोग्राफर की बात की जाए तो महेंद्र सीमा जी इसके सिनेमाटोग्राफर है, जिनकी लास्ट मूवीज की बात की जाए तो डायरेक्टर स्पेशल करके 2013 की थी। और इसके पहले शिवा राजकुमार जी के साथ टगरू मूवी में वो सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं, तो उनके साथ पहले काम करने का एक्सपीरियंस भी, तो इसमें भी जबरदस्ती किया होगा। और वही नए डायरेक्टर हैं और सिनेमाटोग्राफर पुराने हैं, बहुत मस्त जुगलबंदी रहेगी। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाह, क्या स्टार्ट किए। वाह, तुम बाद में जितने रोडीज़ में कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, माय गॉड, ये जा रहा है कैसे के पार्ट टाइम जॉब। मार क्या मारा है। श्रद्धा श्रीनाथ जर्सी में देखा था इनको। अरे वाह, काम खूखार आदमी इतना प्यारा आदमी बन गया। एनकाउंटर बोले तो एनर्जी। विवेक ओबरॉय काफी बहुत सारी साउथ फिल्मों में देखे जाते हैं एज अ विलन। हाँ, ये तो इसमें पुलिस वाले हैं। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है, बहुत ही जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक रखा गया। लाइक बहुत इंपैक्टफुल वो बनाया गया। और ऊपर से बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। लाइक स्टार्ट उनकी एज अ पुलिस वाला हुई। नहीं, पुलिस वाले नहीं, एज अ स्टार्टिंग उनकी चाय पीते हुए हुई थी, वो गमछा लटका रखा। हाँ, मतलब वैसे, पर जो उनकी मेन स्टार्ट हुआ उसमें आईपीएस वो आया और एकदम उनकी मस्त कैमरा एंगल जो आया उनकी वर्ड दिखाते। फिर उन्होंने बताया कि मैं गुंडा बना था, जस्ट बोर हो रहा था इसलिए गुंडा बन गया था पार्ट टाइम। वही लोगों की वैसे बुरी हालत होती तो वो गुंडे वाली लाइन में जाते, और ये बोर हो रहे थे तो गुंडे बन गए, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। पर फिर जो गुंडे के बाद वो पुलिस बने, तो फिर उनकी फिर एक पॉलिटिशियन से भी लड़ाई चल रही है, फिर गुंडों में उनकी शायद और भी लोगों से लड़ाई चल रही। फिर विवेक ओबरॉय भी आते हैं। विवेक ओबरॉय कहाँ आते हैं वो समझने वाली बात, पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो पुलिस वाले तो पुलिस वाले ही है। पता नहीं, तो अभी शायद साथ होते हैं क्या इनका, इनका कुछ कार देते पीछे से। हाँ, मुझे लगता है शायद वो एज अ पुलिस वाले रहे होंगे, पर पुलिस वाले में वो गुंडे वाली हरकतें करते होंगे। हाँ, तो उसकी वजह से शायद उनको पकड़ने के लिए वो आए होंगे, विवेक ओबरॉय आए होंगे। तो फिर उसमें पॉलिटिशियन का क्या रोल होगा, तो वो थोड़ा रहेगा। वो पॉलिटिशियन तो डालना ही होता है। हाँ यार, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता है। वो तो हमने आपको वो बताया कि हर एक स्टोरी में पॉलिटिशियन तो आता है, उसको तो जूते मारो ही मारो। क्योंकि ये पॉलिटिशियन नाम इतना खराब कर दिया ना, इतना उछाल दिया ना, कि कोई भी मूवी कहती, इवन हमने सरकार देख लो, ये देख लो, कोई भी मूवी उठा के देख लो, उसमें पॉलिटिशियन की एंट्री होगी होगी और वो विलन निकलेगा ही निकलेगा। और उसने मार खानी है, उसके बच्चे ने मरना है, या तो उसने मरना है, ये पक्का ही है। वो हर चीज में, मतलब ये थोड़ा सा इसके बाहर आना चाहिए। हाँ यार, ये मसाला बहुत बार ले लिया गया, डाल दिया गया। अब पॉलिटिशियन को छोड़ो, कोई और मसाला उसके ऊपर स्टोरी बना तो ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी चीज देखिए, जैसी स्टार्ट हुई थी ना इस ट्रेलर की, तो मुझे पहले लगा ये तो शायद सिम्बा या तो टेम्पर जो हमने देखी है वैसा काइंड ऑफ है, कि भाई एक नॉर्मल पुलिस वाला है जिसने जो मतलब जो उनके साथ राउडी लोगों के साथ मिलके काम करता है। पर ये वैसा नहीं था, ये ऐसा था कि ये
पहले गुंडे थे और उसके बाद पुलिस वाले बने, और फिर बीच में जो इनका पार्ट आया ना उसमें जो मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे जब वो प्यार व्यार करते, बट लास्ट में इनका रोता हुआ पार्ट भी आया जब वो रो रहे थे और ऐसे सोच के कुछ रो रहे थे, तो मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। शायद तो वो पॉलिटिशियन या तो विवेक ओबरॉय या किसी ने भी उनके कुछ मरवाया हो रहा होगा, तो उसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट आया होगा, तो मजेदार लग रहा है। और ऊपर से ना विवेक ओबरॉय भी मारते ही दिख रहे थे गुंडों को, तो वो पॉलिटिशियन वाले को मार रहे हैं या फिर शिवा, क्योंकि शिवा राजकुमार के जो लाइक जो उनको मार रहे थे ना वो पुलिस वाले तो नहीं लग रहे थे, वो गुंडे ही लग रहे थे, तो शिवा राजकुमार के साथ वाले तो ऑफकोर्स हो नहीं सकते। तो मुझे ये चीज लग रही है कि वो विवेक ओबरॉय इनका साथ दे रहे हैं, पर विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर को लाइक जैसा उनका मूवीज में कैरेक्टर है उसको देखे लगता नहीं कि वो एकदम सीधे वाले रोल में आ भी सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि वो एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा पासा पलट देते ना कि वो देखता यार मेन विलन तो यही था। तो इसके अंदर भी वो तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि विवेक ओबरॉय मेन विलन ही रहते हैं या फिर पुलिस पुलिस करके अच्छे अच्छे बन के इनके साथ में काम करते हैं। और वही वैसे ऐसे देखा जाए तो विलन की फर्स्ट चॉइस बन गया वो। हाँ यार विवेक ओबरॉय लाइक अपने विवेक ओबरॉय तो और बहुत सारी मूवीज में देखा हुआ है कि विवेक ओबरॉय को मतलब फर्स्ट चॉइस लिया जाता है कि विलन मतलब विवेक ओबरॉय, और यहाँ पे उनकी जो मोदी फिल्म है वो बैन हो गई और आप ही नहीं दिए, तो ये दो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हो रही है। वाह उनको फिल्में मिलती जा रही है वो एज अ विलन, और यहाँ जो वो मेन फिल्म कर रहे हैं जो एज अ हीरो वो आ तक नहीं पा रही है। इलेक्शन के बाद आएगी तो देखे जो जाएंगे उसका रिव्यू भी डालेंगे। बाकी ये फिल्म पे आते हैं तो ये फिल्म में डॉक्टर शिवराज कुमार की जहाँ तक बात की जाए बहुत जबरदस्त लुक, जबरदस्त स्टाइल, जबरदस्त, और वो एकदम काफी टगरू से बहुत एकदम स्लिम लग रहे हैं। टगरू में बहुत ज्यादा वो एकदम उन्होंने अपनी बॉडी शोडी बहुत बढ़ा ली थी और एकदम मास लग रहे थे, इसमें एकदम वो बहुत पतले पतले लग रहे हैं और बहुत सही लग रहे हैं देखने में, बहुत मजा आ रहा है। और ऊपर से ना जब भी है ना विदाउट पुलिस वाले से फॉर्मल ड्रेस में आते ना तो मेरे को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और उसमें ज्यादा स्पेशल या जोरदार लगते हैं, क्योंकि है ना पुलिस वाले रूम जैसे इनका फुल शर्ट वगैरह दिखाया गया और एकदम कैप पहन रखे एकदम वेल एकदम वो वेल सामने बंदा दिख रहा है, वेल ड्रेस बंदा दिख रहा है, बट जब भी ये फिर अपने जैसे जैकेट में आते हैं टी शर्ट में आते हैं और जब वो मारते हुए दिखते हैं ना तो लाइक इतना जबरदस्त हो जाता है ना वो, और ऊपर से जिस तरीके से इनके आंखों के वो एक्सप्रेशन आते हैं ना लाइक इनका हमेशा देखा जाता है इनका एक टेढ़ा पोस्चर होता है कि जब भी इनकी एंट्री होगी या मारने की थोड़ी सी इनकी वॉक आएगी और वो एकदम वो लेफ्ट से या राइट से घूम के पोस्चर चलेगा, तो उसको जिस तरीके से डायरेक्टर यूज करते हैं ना वो बहुत जबरदस्त रहता है। वो होता है ना जैसे कई लोगों को होता है कि मेरा साइड पोज ही बहुत अच्छा है, तो शायद उनको भी ऐसा होगा शिवराज कुमार जी को भी, मेरा ये साइड पोज बहुत अच्छा है तो डायरेक्टर ले लिया है, तेरे को मेरे फ्रंट से लेना है पर फ्रंट को भी थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो वही होता होगा उनको भी वही पसंद होगा। और वैसे तो उनका सारे पोज बहुत अच्छा है यार, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टगरू जैसा सॉन्ग इसमें भी आवे जरूर, बहुत मजा आएगा देखने में जिसमें वो पूरा एनर्जी नाचे और गाए दिला दे सबको। हाँ क्योंकि वैसे शूट नहीं करेगा इस फिल्म को, पर शायद कहीं ना कहीं शायद एंड सॉन्ग हो सकता है, हो सकता है, तो बहुत मजा आएगा देखने में। और आप लोगों को ये ट्रेलर कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और हमारे पेट्रोन पे मेंबर बनना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप हमारे पेट्रोन मेंबर बनेंगे तो फिर आप हमें जो कमेंट करके बताएंगे वो हम आपके सामने पेश करने ले आएंगे। और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।